हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल है ओही अष्टमी का फास्ट, जो कि सभी माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं, उनकी सुख शांति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके। तो कल मैं भी ये फास्ट रखूँगी। और आज हम इस फास्ट की जो है प्रिपरेशन करेंगे कि उसमें क्या क्या सामान यूज़ करते हैं, क्या क्या सामान लगता है, तो बस मैं वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी अभिनव अभी गया हुआ है अपने दादू के साथ सामान लेने के लिए ओही अष्टमी का, जो हमें जिस सामान की हमें कल ज़रूरत पड़ेगी, वो सब सामान की मैंने उसको लिस्ट बना कर दे दी थी कि ये सामान लेके आना है। तो बस वो वही लेने के लिए गया हुआ है दादू के साथ अपने। जैसे ही अभिनव आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ओही अष्टमी में हम क्या क्या सामान यूज़ करते हैं, क्या क्या लाते हैं। मोस्टली बच्चों का ही सामान होता है खाने पीने का। बस जैसे ही वो आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या लेके आया है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कोई थी। आज नहीं मनाने वाले हैं हम, कल मनाएंगे हम। हाँ, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ना सामान लेने के लिए गया हुआ है दादू के साथ, तो वो सामान लेके आ गया था। तो उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम है घर का वो करने में लग गई थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभिनव दादू के साथ जाकर क्या क्या लेकर आया है। तो मैं ही दिखा देता हूँ इससे अच्छा। अच्छा पहले है क्या, कल किस लिए लेके आएंगे सामान, ये तो बता। इसलिए लेके आए ये तो पता नहीं, और ये भी नहीं पता आज क्या है। आज मैं क्या करूंगी कल पता है? अच्छा वो चांद को देखना, नहीं सितारों को। चांद को नहीं देखना, चांद वाला मैंने रख लिया है व्रत। हाँ वो तारों को देखना। तारों को फिर क्या करते हैं, किस लिए रखते हैं तारों को, क्यों देखते हैं, किसके लिए रखते हैं व्रत? बच्चे के लिए। बच्चों के लिए ना। हाँ पता है यानी के। हाँ। तो ये सामान कल के लिए, तो बच्चों का सामान ही मंगवाया ना मैंने। हाँ। चलो दिखाते हैं, ठीक है। अभिनव क्या क्या लेके आया, अभिनव दिखाएगा, ठीक है, अभिनव दिखाएगा आप लोगों को। तो ये सब सामान है जो कि अभिनव हाँ। लेके आया है, जो कि मैंने लिस्ट बना कर दी थी इसको। हाँ, और इसी बात पे एक लाइक बनता है। पहले दिखा बता तो दे अभिनव क्या क्या लाया। और इसमें जितना भी सामान है वो सब अभिनव की पसंद का है। वो लेके आया है मैगी, चॉकलेट, मैंने चॉकलेट छोटी वाली मंगवाई है। क्यों? क्योंकि ये एक खत्म कर देता है, ज्यादा देर रखता नहीं है। और कुरकुरे और जेम्स के पैकेट, ये कुरकुरे ऑरेंज वाले कितने पैकेट है? फॉल्स के पैकेट लेके आया है। और जेम्स कॉफी लेके आया है, ये वाली, ये नमक वाली होती है जिस पल्स पल्स उसका। और ये है मट्ठी और बालूशाही, बालूशाही की इसकी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और ये लाया है एक सेकंड बेटा, और माजा, ये भी मैंने 10-10 वाली ही मंगवाई है, बड़ी बॉटल नहीं मंगवाई क्योंकि ये फिर खाना नहीं खाता, बस उसको पीने में ही लगा रहता है। और ये मैंने ये भी नहीं लिखा था, ये भी नहीं मैंने लिखा था, ये भी अपनी मर्जी से लेके आया है। ये दो ही तो चीजें हैं, मतलब कि चार। और ये तो डेली यूज होने वाली चीजें हैं, बटर हो गया, ये फ्रेश क्रीम है, ये मैंने कल दाल मखनी बनानी है अभिनव की फेवरेट। हाँ। क्योंकि अभिनव के लिए व्रत रखेंगे है ना। हाँ। तो इसके लिए मैंने दाल मखनी बनानी है, तो इसके लिए मैंने ये क्रीम मंगवाई है। और ये ब्रेड, ये सैंडविच मांगता रहता है। तो ये सब जो भी सामान है वो इसमें हांडी में कल भरा जाएगा, और मैं इसमें ये सारा नहीं भरा जाएगा, इसमें एक एक चीजें, बस एक एक पैकेट सबका डाल दूंगी जो जो आएगा इसमें एक एक। हम अभी नहीं रखते, नहीं अभी से नहीं रखते बेटा, कल रखते हैं, पूजा करते हैं, अभी से थोड़ा ना रख देते हैं। हाँ कल रखेंगे, पूजा करेंगे। एक सेकेंड दिखा देना। तो इनमें से मैं एक एक पैकेट इसमें रख दूंगी, और ये बालूशाही भी एक एक पीस ही रखूंगी, और मट्ठी का भी एक पीस रख दूंगी इसमें। और थोड़े बस अब बाकी सामान सारा आ गया है, सिर्फ हमारे रह गए हैं फ्रूट्स रह गए हैं। मिठाई भी ले आए हैं, मिठाई मैंने फ्रिज में रखी है। मेरे पास सुनो, बालूशाही और मिठाई मत रखना इसके अंदर, कुछ चमकीला नहीं बेटा, उसमें डाल के रखूंगी ना किसी पन्नी वगैरह में डाल के रखूंगी, वो नहीं लगता, वो नीचे रखेंगे ना हम, ये सामान ऐसे वाला नीचे डाल देंगे और ऊपर ये रख देंगे पन्नी में डाल के, ठीक है। हाँ तो इसमें सारा सामान भरा जाएगा और इसके ऊपर फ्रूट्स रखे जाएंगे, और ये रहा छोटे वाला फ्रूट जो कि अभी लेके आने हैं, अभी लेके नहीं आए। और इसमें पानी भरा जाता है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या कैसे करना है।
और क्या और बस ये बाकी सामान इसको ये अगर मैंने बाहर रखा तो ये खाना नहीं खाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा रहेगा, तो इसलिए बाकी मैं सारा सामान उठा के रख दूंगी। जब अभी ना मुझे अच्छा अच्छा काम करके दिखाएगा तब एक पैकेट दिया करूंगी, है ना। होमवर्क अच्छे से करके दिखाएगा तब एक पैकेट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा एक होमवर्क दो पैकेट, नहीं ऐसे थोड़ी ना। अगर अच्छी अच्छी राइटिंग करेगा और सुंदर सुंदर और होमवर्क अपना अच्छे से पूरा कम्प्लीट करके दिखाएगा तब एक पैकेट मिलेगा, ठीक है। ये बाकी तब दूंगी इसको, एकदम से सब खाने को नहीं दूंगी मैं ये, ठीक है। अच्छा अब मैं वो चीज दिखाता हूँ। क्या जल्दी से लेके आओ, ठीक है। क्या है तो फिर ये है वो चीज, क्या है? अच्छा टर्टल, टर्टल दिखा रहा था ये। वो भी ना इसके अंदर वो पैसा रखते हैं। अच्छा रुको ना मैं खोलती हूँ ना, ये ऐसे खुलता है, ऐसे ओपन होता है। हाँ मैंने इसमें कॉइन रख रखा है, दुबई का। हाँ कॉइन रखा हुआ है इसने, इसमें इसको हटा देते हैं। नहीं नहीं रखा, ये रखा रहने दो ना इसके अंदर, ठीक है। अब इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक ये रख के आओ इसको, इसको उठाते नहीं है बेटा, बार बार छेड़ते नहीं है, ठीक है, एक ही जगह रखा रहने देते हैं। तो बस जो दिखानी एक सेकेंड बेटा, तो बस यही सामान है जो इसका फेवरेट है, मैंने वही चीजें मंगवाई हैं जो कि कल मैं पूजा के टाइम इस हांडी में डाल दूंगी, और जब पूजा हो जाएगी उसके बाद अभिनव मत्था टेक के क्या करेगा, खाएगा सामान अपना, है ना। मम्मा इनमें से कुछ को मैं खा सकता हूँ। काम किया स्कूल का पूरा, कंप्लीट किया, इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी की कल जो करवाई थी, याद नहीं है, बस फिर नहीं खा सकता, फिर नहीं खा सकता, फिर नहीं खा सकता। रात को कौन याद करेगा, बच्चा याद करेगा क्योंकि कल टेस्ट है, और आज तो अभी हमने हेयर कट भी करवाया, देखा आपने। हाँ, एक तो इसकी इतनी गंदी आदत है ना, बालों को पता नहीं क्यों इतने वो करता रहता है, क्या बना लेता है बालों का, मैं क्यों बताऊं, चुंडियां उड़ा लेता है, टिमे वाले कार्टून करने लगा था वो लोग, चुंडियां बना लेता है वो लोग, में देखना ये देखो ये कट भी डलवा के आया इस साइड, लेकिन थोड़ा सा उसने नीचे को कर दिया। हाँ मैं वही देख रही थी, नीचे कर दिया उसने, तो यहाँ डालना था एक इसके ऊपर, और इस साइड क्यों नहीं डलवाया पता नहीं, क्यों भूल के पता नहीं। हाँ उस मशीन से कर देना अभी, ऐसे ऐसे बेटा क्यों बाल खराब करता है, तो बत्तियां बन जाती हैं बालों की, गंदे हो जाते हैं, तो उनको उखाड़ के मेरी बत्तियां यूज कर लेना, पैसे बचेंगे। इतने एक कितने रुपए की बत्तियां, बहुत महंगी आती हैं, जो पैसे बचेंगे बेचनी स्टार्ट कर दे, तो बचेंगे, बेचनी स्टार्ट कर देते हैं हम, बेचनी स्टार्ट कर दे तो बत्तियां बनाया कर बैठ के, एक दिन गंदा ही हो जाऊंगा। फिर क्यों करता है ऐसे, नहीं करते खराब हो जाते हैं, अच्छे खासे होते हैं। ठीक है वीडियो में ना वो नहीं होते, ओके बच्चा ऑयल देख। बहुत खराब बच्चा है ये, मम्मा एक मिनट करो आ। आ, नहीं नहीं करो ना। और अभी मैंने कानों में कुछ नहीं डाल रखा क्योंकि कल फास्ट है, कल सुबह उठते ही डाल दूंगी, इसलिए मैंने अभी निकाल दिए थे, तो कल मैं कान में अपने में इयररिंग वगैरह जो भी मैंने डालने हैं कल ही डालूंगी। और अभी मैं दादी दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि दादी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, जैसे कि किडनैप भी हो गई हो, दादू वहाँ पर खेत में है, मैं आपको वैसे थोड़ा सा ही आगे जाके दिखा सकता हूँ क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, और ये जो मेरी वीडियो में, अच्छा ये रही दादी, और ये जो मेरी वीडियो में मारने वाली गाय थी और टिम्मी। अब होएगा ये रहे, दादू क्या कर रहे हो, क्या पानी चला रहे हैं। ओ, तो जी इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता, तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है बटर, अमूल, यहाँ पे मैंने अमूल बटर का यूज़ किया है, और पास्ता मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था, ये मैं बना रही हूँ अभिनव के लिए क्योंकि उसको पास्ते में कोई भी वेजीज वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो पहले मैं उसी के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा बस बटर में डालूँगी पास्ता और उसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, और इसके बाद हल्का सा मैं डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि जो अमूल बटर है वो भी सॉल्टेड है, तो नमक मैं थोड़ा सा ही इसमें ऐड करूँगी और इसे भी अच्छे से मिला दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अमूल क्रीम,
जो कि मैंने आज मंगवाई थी, मैंने दिखाया भी था आपको। तो मैं इसमें थोड़ी सी अमूल जो क्रीम है वो इसमें ऐड कर दूँगी, और बस ये अभिनव के लिए तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया था कि क्रीम है जो कि वो ना फटे, इसलिए बस ये अभिनव के लिए जो पास्ता है वो रेडी हो गया है। मैं उसको दे आऊँगी ये, बस यहाँ पे अभिनव के लिए जो पास्ता है वो रेडी हो गया था। वो इसमें बिल्कुल ही वेजीज वगैरह पसंद नहीं करता, या मेरे पास कभी वो जो मिक्स हर्ब्स आते हैं ना, पिज़्ज़ा मसाला वाले मिक्स हर्ब्स आते हैं, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ, वो थे नहीं आज मेरे पास। तो बस उसको थोड़ा सा बटर में डाल के, थोड़ी सी क्रीम डाल के मैं दे आई थी। और इसके बाद मैंने सेम कढ़ाई में ही मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, और उसमें डाल दिया था जीरा और थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही जिंजर गार्लिक का जो कलर है वो चेंज होगा, तो इसमें हम डाल देंगे प्याज और कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ मिर्च है जो मम्मी ने थोड़ी ज़्यादा काट दी थी, तो मैं थोड़ी कम कर लूँगी, इसमें पूरी नहीं डालूँगी। तो बस अब हम इन्हें भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर मैं प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी ताकि वो जल्दी से जो है भुन जाए। अगर हम प्याज भूनते टाइम प्याज में अगर नमक ऐड कर देते हैं तो वो जल्दी से भुन जाता है। बस मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया था, और फिर इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक और पका लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। मैंने यहाँ पर एक टमाटर का यूज़ किया, जो मीडियम साइज़ का टमाटर आता है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अगर आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन बस मैंने कट करके ही डाल दिया था। और हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी डाल लूँगी लाल मिर्ची। नमक हमने पहले से ही प्याज में डाला हुआ है, और बस हल्की सी लाल मिर्ची ही मैंने इसमें ऐड की है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता। और मैंने यहाँ पे जब पास्ता बॉईल किया था उसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था, और बस अब इसके बाद हम इसमें पास्ता डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैंने पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया था मसाले के साथ, और थोड़ा सा मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी अमूल बटर। थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें अमूल बटर जो है वो ऐड कर लिया है। आप चाहें तो घर का बना हुआ, अगर आप लोगों के पास मक्खन हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अमूल बटर था तो इसलिए मैंने वही ऐड कर लिया। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्का सा धनिया पाउडर पिसा हुआ। और बस धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो धनिया पाउडर है और बटर है पूरे पास्ता में मिक्स हो जाए अच्छे से। और मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल से ही तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं किया मैंने। ये ऐसे भी अगर हम इसे बनाएंगे तो खाने में पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस इसके बाद हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और उसके बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी, इसे मिक्स करने के बाद तैयार है हमारा यहाँ पर देसी स्टाइल पास्ता। अगर आप इसको इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है ऐसे भी आप लोग। बाकी क्रीम वगैरह डाल के ये डालो वो भी बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया जो जो चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं। बस एक अमूल बटर है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास अमूल बटर ना हो तो आप घर का बना हुआ बटर भी डाल सकते हैं, चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसके बाद मैं मम्मी को भी प्लेट में डाल के दे आऊँगी पास्ता। मैंने इसमें ज़्यादा वेजीज वगैरह यूज़ नहीं की हैं, बस प्याज वगैरह ही ऐड किया था और टमाटर। आप चाहें तो इसमें और वेजीज भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली थी। ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो जी, यहाँ पे अभी मैं मम्मी को जो पास्ता है वो दे आई थी, और बस मेरे ये बर्तन रह गए हैं सिंक में, सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, वो साफ़ करूँगी और फिर हम सो जाएंगे, फिर हम जाएंगे सोने के लिए। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।